हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार जियो 5G फ़ोन जो हैं वो इंडिया में 8,000 से 12,000 के बीच जो हैं लॉन्च हो सकते हैं। 2024 तक जियो जो है अपने 5G MM को ऑल ओवर इंडिया जो है स्प्रेड कर देगा, और जो MM वेव 24GHz के ऊपर होते हैं उस पर आपको फास्ट इंटरनेट स्पीड मिलती है थ्रू हाई आउटपुट और लो लेटेंसी कनेक्टिविटी पे होता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अपने स्मार्टफोन की OTA अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। देखिए, जो 5G का र्यूमर आ रहा है जियो फोन का, ये र्यूमर है, मतलब कि ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है। ये मल्टीपल वेरिएंट में फ़ोन लॉन्च हो सकता है। ये एंड्रॉयड 11 पे होगा, जिसकी की स्क्रीन 6.5 इंच की डिस्प्ले होगी। 720x1600 पिक्सल्स का इसका डिस्प्ले होगा। IPS डिस्प्ले होगा। 20:90 का एस्पेक्ट रेशियो होगा। फोन में स्नैपड्रैगन 480 का चिपसेट होगा। फोटो और वीडियो के लिए जियो 5G फोन में आपको ड्यूल रियर कैमरा सेटअप मिल जाएगा। 13 MP का प्राइमरी सेंसर होगा, जिसमें ऑटो फोकस लेंस होंगे, और 2 MP का मैक्रो शूटर होगा। इसी के साथ आपको 8 MP का सेल्फ सेल्फी कैमरा जो है जियो 5G फोन में मिल जाएगा। स्टोरेज की बात करें तो जियो फोन 5G में आपको एटलीस्ट 32 GB स्टोरेज जो है मिलनी चाहिए, ऐसा एक्सपेक्ट है। और इसमें माइक्रो SD कार्ड भी होगा, जिसमें कि डेडिकेटेड स्लॉट होगा। कनेक्टिविटी में आपको 5G, 4G, वोल्ट, वाईफाई सब ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि आपको जो USB पोर्ट मिलेगा वो टाइप सी पोर्ट होगा। इस पे डेटा ट्रांसफर की स्पीड बहुत हाई होती है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट्स, आपको स्कैनर सेंसर भी मिल जाएगा। और जियो फोन में जो एक्सपेक्ट करा जा रहा है, 5000 mAh की बैटरी होगी और 18 वाट्स की फास्ट चार्जिंग होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।